हेलो चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेकेंड स्टैंडर्ड EVS लेसन यूनिट नंबर 4 आवर इन्वायरमेंट। इसमें का जो चैप्टर नंबर 13 है बच्चों, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इसमें हमें सीखना है डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड टाइम। तो बच्चों यहाँ पे हम तीन कंसेप्ट को सीखेंगे, डायरेक्शन को सीखेंगे, डिस्टेंस को सीखेंगे एंड टाइम के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। इन स्टैंडर्ड 1 वी हैव लर्न अबाउट, तो स्टैंडर्ड 1 में हमने क्या सीखा था बच्चों? तो देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट, थिंग्स इन अवर सराउंडिंग, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने सीखा। थिंग्स नेचर हैज़ गिवन, तो नेचर ने हमें जो भी चीज़ें दी हैं उसके बारे में भी सीखा, और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती है इसके बारे में भी सीखा है। तो आज हम नाउ लेट्स अस प्रोसीड फर्दर, तो आगे के बारे में, अभी आगे न्यू लेसन्स जो है इसके बारे में आज हम EVS में सीखेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। वी हैव पब्लिक एंड नेचुरल प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग, मीन्स हमारे आजू बाजू क्या होते हैं? पब्लिक एंड नेचुरल प्लेसेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में। ओके, इन ऑर्डर टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन एंड लोकेशन ऑफ ए प्लेस वी हैव टू रिफर टू देयर डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू नो द एग्जैक्ट पोजिशन, तो किसी भी प्लेस के एग्जैक्ट पोजिशन और लोकेशन के अकॉर्डिंग हम उसके डायरेक्शन और डिस्टेंस को समझ सकते हैं बच्चों वहाँ पे। ओके, अल्सो वी हैव डिवाइडेड द डे इंटू 3 parts, तो डे को हम 3 parts में भी डिवाइड करेंगे। अभी देखिए कैसे डिवाइड होता है वो, जैसे कि सुबह मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये 3 parts में डे डिवाइड होता है। देन दीज पार्ट्स कैन बी रिफर टू एज अ टाइम, तो इसी को हम टाइम कहते हैं। सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड द टाइम आर गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पे हमें वही इंफॉर्मेशन दी गई है नीचे। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे एक बॉय है जो हमें डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वेस्ट के अपोजिट होती है ईस्ट और साउथ के अपोजिट होती है नॉर्थ। तो जहाँ से सनराइज होता है वहाँ पे ईस्ट साइड होती है। ओके, सो देखिए यहाँ पे, लुक एट द पिक्चर गिवन, इट इज़ मॉर्निंग, तो यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सनराइज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे मॉर्निंग है। द सन इज़ राइजिंग, द डायरेक्शन विच द सन राइजेज इज कॉल्ड ईस्ट, तो जहाँ से सनराइज होता है उसे ईस्ट कहेंगे। द बॉय इज़ फेसिंग द राइजिंग सन, ही इज़ फेसिंग द ईस्ट, तो बॉय यहाँ पे किसका फेस कहाँ पे है, तो सन के डायरेक्शन के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम कहेंगे तो बच्चा कहाँ पे देख रहा है, ईस्ट साइड में। ओके, बिहाइंड हिम द वेस्ट साइड इज, तो उसके बिहाइंड में, उसके पीछे वेस्ट साइड है। द सन सेट इन द वेस्ट इन द इवनिंग, तो जैसे कि सन ईस्ट से राइज होता है तो सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में। द बॉयज लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, तो यहाँ पे उसका जो लेफ्ट हैंड है ये नॉर्थ को डिनोट कर रहा है, और उसका जो ये राइट साइड है वो क्या कर रहा है, साउथ को डिनोट कर रहा है। ओके, रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 4 main directions, तो यहाँ पे हमने सीखा बच्चों, यहाँ पे 4 directions होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, दे आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, दे आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, ये डायरेक्शन कैसी होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। द नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ एंड द ईस्ट इज अपोजिट टू वेस्ट, तो ईस्ट अपोजिट होती है वेस्ट के और नॉर्थ अपोजिट होती है साउथ के। ओके, एवरी डे द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट एंड एवरी डे सन सेट इन द इवनिंग इन द वेस्ट, तो सन हर रोज सन राइज होता है, मीन्स सन जहाँ से उगता है तो उसे हम ईस्ट साइड कहेंगे, मॉर्निंग में उगता है, एंड देन जब सन सेट हो जाता है, मीन्स सन चला जाता है, तो उसे इवनिंग के टाइम पर वो वेस्ट साइड में चला जाता है। ओके, देन डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो डिस्टेंस मीन्स क्या, जो नज़दीक चीज़ें हैं उसे हम नियर कहेंगे, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं, मीन्स इनसे दूर, ये विंडो है तो इसे हम फार कहेंगे, मीन्स दूर होती है और ये नज़दीक होती है। ओके,
देखिए, इन द गिवन पिक्चर अबाउ द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द टेबल, तो ये बॉय जो है ये टेबल के नियर मीन्स उसके नज़दीक खड़ा है, बट द विंडो इज फार अवे, बट ये जो विंडो है ये बहुत दूर है इस टेबल से. लुक एट द सम ऑफ द सेंटेंसेज गिवन बिलो, द हाउसेस इन द सिटी आर क्लोज बाय ईच अदर, तो सिटी में जो हाउसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज बाय होते हैं, मीन्स एक 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 दूसरे से लग लग के होते हैं, मीन्स कैसे कि हम कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो बहुत क्लोज होते हैं, ओके नज़दीक होते हैं, तो उसे हम यूज़ करेंगे क्लोज बाय. The houses in the village are far away from each other. लेकिन विलेज में जो houses होते हैं वो कैसे होते हैं, फार अवे मीन्स दूर दूर houses होते हैं, मीन्स नज़दीक इतने नहीं होते, क्योंकि विलेज में जगह बहुत सारी होती है, तो वहाँ पर जो houses होते हैं वो दूर दूर तक बनाए जाते हैं, ओके दूर दूर बनाए जाते हैं. देन राहुल्स हाउस इज क्लोज टू द स्कूल, सो ही वॉक टू द स्कूल, मीन्स उसका राहुल का जो हाउस है वो स्कूल के नज़दीक है, क्लोज है मीन्स नज़दीक है, तो वो क्या करता है वॉक करके ही स्कूल में आता है. सानियाज हाउस इज फार अवे फ्रॉम द स्कूल, तो सानिया का हाउस कैसा है, फार अवे मीन्स बहुत दूर है, तो वो क्या करती है, सो शी कम्स टू द स्कूल ऑन अ बाइसिकल, तो वो बाइसिकल से स्कूल में आती है. द टीचर्स हाउस इज क्वाइट फार अवे, तो टीचर का जो हाउस है वो कैसा है, थोड़ा सा दूर है मीन्स थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या वो जो टीचर है वो कैसे आती है, देखिए द टीचर्स हाउस इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द स्कूल, सो ही कम टू द स्कूल बाय बस, तो वो कहाँ से कैसे आते हैं, बस से. रिमेंबर वेन वी यूज द वर्ड नियर फार फार अवे क्वाइट फार अवे वी रिफर टू द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, मीन्स जब हम ये वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम बताते हैं कि डिस्टेंस उसका कितना है, ओके. देन टाइम, टाइम में देखिए यहाँ पे वी नो अबाउट द डे एंड नाइट, द डे हैज़ लाइट एंड द नाइट हैज़ डार्कनेस, तो डे कैसा होता है, लाइट होता है, द डे हैज़ लाइट एंड डे में कैसा होता है, लाइट होता है मीन्स क्या होता है, बहुत सारा क्या कहते हैं हम उसे, लाइट होता है वहाँ पे, एंड देन नाइट में क्या होता है, बहुत सारा अंधेरा होता है, ओके. बाय जस्ट रेफरिंग टू अ डे नाइट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द टाइम, तो हम सिर्फ डे और नाइट से हम टाइम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मीन्स समझ नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये रात है या दिन है. The day time has been divided into three major parts and the night has been divided into three major parts. तो यहाँ पे day को क्या है, day को three parts में divide किया गया है, day को three parts में divide किया गया है, और night को भी three parts में divide किया गया है. ओके, द डे टाइम हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, जो डे का जो दिन डे होता है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया गया है, एक मॉर्निंग का टाइम, एक आफ्टरनून का टाइम मीन्स दोपहर का टाइम, और एक इवनिंग का मीन्स शाम का टाइम, ओके. देन द नाइट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू नाइट मिड नाइट एंड डाउन, तो वैसे ही जो नाइट होती है, जो रात होती है, उसको भी नाइट मिड नाइट और डाउन इसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है. नाइट मीन्स रात होती है, मिड नाइट मध्य रात जिसे हम कहते हैं, और डाउन मीन्स सुबह का जो टाइम होता है जिसमें अंधेरा होता है उसे डाउन से कहेंगे, ओके. इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टाइमिंग आर गिवन बिलो, तो देखिए यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम जो दिया गया है वो कैसे होता है, किसे हम मॉर्निंग कहेंगे, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग आवर शाडो इज लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मीन्स जहाँ जब सनराइज होता है और हमारी जो शाडो होती है, जो हमारी परछाई होती है वो ज़्यादा होती है, उसको हम मॉर्निंग टाइम कहेंगे. एट दिस टाइम मदर स्प्रिंकल वाटर इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड ड्रॉन रंगोली, तो हमारी मदर क्या करती है बच्चों, पानी को मीन से जैसे कि बाहर जैसे क्या कहते हैं हमारे दरवाजे के बाहर क्या करती है मदर, रंगोली निकालती है, पानी डालती है, साफ करती है, ग्रूमिंग करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंकल वाटर कहेंगे, ओके. और रंगोली को ड्रॉ करती है मदर. देन द फ्लावर्स फ्रॉम द कोरल ट्रीज ब्लूम इन द मॉर्निंग, और जो फ्लावर्स होते हैं मॉर्निंग के वो कैसे ब्लूम होते हैं, मीन्स वो ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स ऐसे खिल के बाहर आते हैं. वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रश एंड टीथ एंड हैव अ बाथ, तो हम मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, राइट,
देन हैव अ बाथ, तो हम मॉर्निंग में बाथ लेते हैं, राइट, नहाते हैं. व्हेन वी हैव ब्रेकफास्ट, देन हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं. ड्यूरिंग समर सीजन वी कैन हियर द कक्कू सिंगिंग इन द मॉर्निंग. तो समर सीजन में हमें कक्कू का भी साउंड सुनाई देता है मॉर्निंग में, राइट. वी कैन सी द हर्ड्समैन लीडिंग हिज कैटल फॉर ग्रेजिंग. तो जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे कुछ गवैये होते हैं, वो अपने कैटल्स को क्या करते हैं, चराने के लिए लेके जाते हैं, उसे कहेंगे कैटल फॉर ग्रेजिंग. द फार्मर गोज टू द फील्ड इन द मॉर्निंग. तो फार्मर भी क्या करता है, मॉर्निंग में अपने फील्ड के ऊपर चला जाता है काम करने के लिए. ओके, देखिए यहाँ पे ये जो है ये टाइम मॉर्निंग का दिखाया गया है. देन आफ्टरनून, आफ्टरनून में देखिए क्या होता है, द सन इज़ ओवरहेड इन द आफ्टरनून. तो सन क्या होता है, हमारे सर के ऊपर आता है, मीन्स बीच इसमें स्काई में होता है. सो आवर शैडो इज शॉर्ट एंड नून, हमारी शैडो उससे क्या होती है, कम, हमारी जो परछाई वो छोटी दिखाई देती है. ऑलमोस्ट नियर आवर फीट एट दिस टाइम इट इज़ वेरी हॉट. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत गर्मी महसूस होती है. वी हैव आवर लंच इन अ आफ्टरनून. तो हम क्या करते हैं, दोपहर को हमारा लंच लेते हैं. एंड देन पे प्ले रेस्ट. तो कभी कभार खेलते हैं बच्चे और कभी कभार रेस्ट भी करते हैं आफ्टरनून का लंच लेने के बाद. द ब्रीज इज़ वार्म ड्यूरिंग दिस टाइम. तो इस टाइम ब्रीज कैसी होती है, ब्रीज मीन्स जो हवा होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है, राइट, दोपहर के टाइम. तो ये जो टाइम है दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून कहते हैं उसे. यहाँ पे सन बहुत गर्म होता है, इसकी वजह से यहाँ पे धूप भी ज़्यादा होती है. देखिए अभी तीसरा जो दिन का तीसरा पार्ट है वो है इवनिंग. तो इवनिंग में क्या होता है, द सन सेट इन द इवनिंग, द शैडो इज वंस अगेन लॉन्गर इन द इवनिंग. तो इवनिंग में क्या होती है, हमारी शैडो फिर से परछाई जो होती है वो बड़ी होती जाती है. वी ड्रिंक मिल्क टी, देन वी गो आउट टू प्ले और गो फॉर अ वॉक. तो इस टाइम हम क्या करते हैं, इवनिंग के टाइम कभी कभार मिल्क लेते हैं बच्चे, कभी कभार चाय भी पीते हैं और बाहर जाते हैं खेलने के लिए या फिर वॉक के लिए. स्लोली द लाइट बिकम्स लेस एंड वी कैन सी फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इन द स्काई. तो स्लोली क्या होता है, लाइट जो होता है वो कम होते जाता है, राइट, जो उसे उजड़ कहते हैं ना वो कम होते जाता है. और बर्ड्स की जो फ्लाइट है, बर्ड्स क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर, घर की तरफ जाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं. द बर्ड्स आर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट. तो बर्ड्स क्या करते हैं, रिटर्न जाते हैं अपने नेस्ट की तरफ. द सन सेट इन द इवनिंग. तो सन कब सेट होता है, तो इवनिंग में. द फार्मर रिटर्न्स होम. फार्मर अपने घर पे आते हैं. द लाइट नाउ फेड. तो अभी लाइट क्या होती है, बिल्कुल कम होती जाती है, अंधेरा छाने लगता है. वी अल्सो कम होम. हम भी हमारे घर चले जाते हैं. विश एवरी वन एंड डिसाइड अवर मल्टीप्लीकेशन टेबल. और विश मीन्स यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने मल्टीप्लीकेशन के जो टेबल है वो लर्न करते करते अपने घर चले जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. देन फोर्थ जो है वो नाइट. तो यहाँ पे नाइट के पिक्चर दी गई बच्चों. देखिए यहाँ पे अंधेरा होता है रात के टाइम. ओके, देयर इज़ अ डार्कनेस एवरीवेयर एट नाइट. तो रात में क्या होता है, सारी जगह पे, एवरीवेयर मीन सब जगह पे क्या होता है, डार्कनेस होता है. द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. तो ये जो स्टार्स है ये पिक्चर में देखिए ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं. ओके, नाइट में इट अपीयर एज इफ मूनलाइट हैज स्प्रेड एवरीवेयर. तो ये जो मून का जो लाइट होता है वो सारी जगह मंद मंद जैसे प्रकाश फैलाता है ना, वैसे ही ये मूनलाइट स्प्रेड होती है एवरीवेयर. वी हैव आवर डिनर एट नाइट एंड गो टू बेड. तो शाम के रात के वक्त हम क्या करते हैं, हमारा डिनर लेते हैं एंड सो जाते हैं बच्चों, गो टू बेड. समटाइम्स वी कैन हियर द क्रिकेट चर्पिंग. मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी कभी चर्पिंग भी सुनाई देती है हमें. द ब्रीज इज कूल एंड प्लीजेंट एट नाइट. तो रात की जो मंद मंद हवा होती है वो कैसी होती है, बहुत ठंडी होती है और प्लीजेंट मीन्स बहुत खुशनुमा जैसे एटमोसफियर यहाँ पे बन जाता है रात का. ओके,
देन यहाँ पे बच्चों मिडनाइट दी गई है. मिडनाइट मीन्स मध्यरात्रि जिसे हम कहते हैं मिडनाइट. वी आर इन अ डीप स्लीप एट मिडनाइट. तो हम इस मिडनाइट में क्या होते हैं, बहुत डीप स्लीप मीन्स गहरी नींद में सो जाते हैं. एट दिस टाइम एवरीथिंग इज क्वाइट और इस टाइम में सब शांत होते, सब सो जाते हैं. तो बहुत शांतता इस वक्त होती है, राइट, क्वाइटनेस यहाँ पे होता है. देन सिक्स डाउन. अभी ये डाउन का टाइम मीन्स जब हम उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, उसको डाउन कहेंगे. वी आर स्टिल एस्लीप एट डाउन मीन्स जो थोड़ा सा धुंधला सा अंधेरा होता है और थोड़ा सा थोड़ी सी रोशनी होती है, उसे हम डाउन कहेंगे. जब हम सोते हैं उसके बाद जग जाते हैं. वी कैन ओनली हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द ट्रीज. तो ये इस टाइम में क्या करते हैं हम, बर्ड्स की चर्पिंग मीन्स उनकी उनका जो आवाज़ है वो हमारे कानों पे पड़ता है मॉर्निंग में. देन वी कैन हियर द कक्कू क्राउलिंग. कुकुलू डुडुल डू, जो ये जो कक्कू है सुबह सुबह क्या करता है, क्राउलिंग करता है. और कैसे करता है, कुकुलू डुडुल डू, और हमें जगाना चाहता है. ओके, दिस इज द मोस्ट प्लीजेंट एंड डिलाइटफुल टाइम ऑफ द डे. तो ये सबसे अच्छा खुशनुमा जो हम कहेंगे टाइम होता है मॉर्निंग का. एट दिस टाइम द ब्रीज इज कूल. और इस टाइम में भी ब्रीज कैसी होती है, हवा कैसी होती है, बहुत ठंड होती है और हल्की सी हवा चलती है. ओके, सो बच्चों आपको ये सारे जो न्यू आपको कंसेप्ट थी इवनिंग नाइट और डेज के बारे में, तो ये सब आई होप आपको समझ में आ गए बच्चों. तो हम अभी करेंगे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, सो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है, नेम द डायरेक्शंस एंड डिस्क्राइब बिलो. मे से आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शंस यहाँ पे लिखनी है. ओके, फर्स्ट दिया गया है द डायरेक्शंस अपोजिट टू द वेस्ट. तो वेस्ट के अपोजिट कौन सी होती है, ईस्ट. द डायरेक्शन इन विच द सन सेट. तो सन कहाँ पे सेट होता है, वेस्ट में. द डायरेक्शन अपोजिट टू द साउथ. साउथ के अपोजिट क्या होती है, नॉर्थ. द डायरेक्शन बिहाइंड यू व्हेन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन. तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है जब सन क्या होता है, मीन्स आपका जो फेस होता है वो सन की राइजिंग की तरफ होता है, वो जो होती है, वो जो डायरेक्शन होती है, वो उसे वेस्ट कहेंगे. व्हेन यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन यूअर राइट हैंड पॉइंट टू द साउथ. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. राइट फार मीन्स ये स्कूल थोड़ी सी दूर है और फार मीन्स ये जो ट्री है बहुत दूर है. ओके, इसके लिए फार का यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं. द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द कार. The tree is far from the boy. The building is quite far from the boy. The building is far from the tree. Building क्या है, tree से बहुत दूर है, तो far आएगा. Name the following. The three periods of the day. तो day में कितने periods होते हैं, तो three. Morning, afternoon and night. The three periods of the time of the night. तो night के three periods कौन से होते हैं, night, midnight and dawn. Write the time of the statement described below. Use the words given in the box. तो यहाँ पे morning का time दिया गया है, means यहाँ पे day का period दिया गया है, evening, dawn, noon, morning, midnight and night. तो यहाँ पे हमें वो choose करके लिखना है. फर्स्ट डे आ गया, एवरीवेयर इट इज़ क्वाइट. सब जगह जब शांतता होती है उसे क्या कहेंगे, मिडनाइट. दिस इज़ द मोस्ट प्लीजेंट एंड डिलाइटफुल टाइम. कौन सा टाइम है जो मोस्ट डिलाइटफुल होता है, तो वो है डाउन. वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम. तो हम वह ब्रेकफास्ट कब लेते हैं, मॉर्निंग में. द सन सेट एट दिस टाइम. तो सन कब सेट होता है, इवनिंग में. द शैडो इज़ एट आवर फीट. तो जब शैडो हमारे पैर के तरफ ही होती है, तो उसे नून को जो टाइम होता है वहाँ पे होती है. द साउंड ऑफ द क्रिकेट इज़ हियर एट दिस टाइम. तो नाइट में ये क्रिकेट की साउंड आती है. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट थ्री स्पेशल फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग डाउन. डाउन के थ्री फीचर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं. वी कैन हियर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स इन द ट्रीज. दिस इज द मोस्ट प्लीजेंट एंड डिलाइटफुल टाइम ऑफ द डे. एट दिस टाइम द ब्रीज इज कूल.
Second, evening. The sun is set in the evening. The light now fades. The shadow is once again longer in the evening. And then morning. The sun is rises in the morning. Our shadow is longer in the morning. The flowers from the coral trees bloom in the morning. Means यहाँ पे हमें वो जो time period दिया गया था उसके कुछ features means उसके कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पे हमें लिखनी थी. Okay?